गुलरेश जी, ऐसा बताया जा रहा है। वैसे अगर आप देखेंगे राजनीति में विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव तो कॉमन है, लेकिन इस जो अभी 28 तारीख को जो प्रस्ताव होने वाला है उससे क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए मनीषा, मैं कोई पाकिस्तान का माइक्रो जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर तो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो जियो पॉलिटिकली हो रहा है उसको देख के जो चीजें सामने आती हैं कि जियो पॉलिटिकल हरकतें क्यों हो रही हैं और जो हो रही है उसके पीछे भी कुछ कारण होंगे, तो उन पर इंगित कर सकता हूँ। तो और उससे ऐसा लगता है देखकर कि इमरान खान विश्वास प्रस्ताव जीते या अविश्वास प्रस्ताव जीते, दोनों तरफ लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में उनकी हार होना निश्चित दिख रही है, क्योंकि जनता के बीच वो और एस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं वहां का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके बीच भी काफी ज्यादा वो अलोकप्रिय हो चुके हैं। जो उन्हीं के शब्दों के कुछ मैं चीजों का तस्करा करूं तो मैं कहूंगा आपको कि उन्होंने पहले तो भारत की तारीफ की कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को मैं दाद देता हूं कि वो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं जबकि क्वाड के सदस्य हैं, तो ये उनको कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट दिखा रहा है, क्योंकि पिछले 4 साल से नरेंद्र मोदी जी और हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ एक भी अच्छी बात उन्होंने नहीं कही। इस समय जो कह रहे हैं तो मतलब कि उनका जो ग्राउंड है ना वो शायद हल रहा है नीचे से। दूसरी बात, जी उन्होंने एक बात वो कही कि हिंदुस्तान की जो मिलिट्री है वो कभी सियासी चीजों में पॉलिटिकल विषयों में बीच में टांग नहीं अड़ाती है, बीच में इंटरप्ट नहीं करती है, कुछ ना कुछ साइड नहीं लेती। इसका मतलब ये है कि शायद वो अब मिलिट्री के लिए पसंदीदा चॉइस नहीं बचे हैं। वो एक पेज की जो बात कर रहे थे और वो पेज शायद फट चुका है, तो वो मिलिट्री को भी एक बात कह रहे हैं कि आप इस प्रोसीजर से बाहर रहे, एक मैसेज यह भी मिल रहा है। फिर दूसरा, आपने देखा होगा ये आजकल की ही बात है, इंग्लैंड से जो महोदय थे, क्या नाम था उनका, बुक स्वीप या कुछ था, जिन्होंने एक जिनकी एजेंसी को वहां की जो एंटी करप्शन नैब है उसने काम दिया था कि नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ जितनी भी चीजें हैं और जो इल्जाम लगे थे उनके ऊपर कि उन्होंने बाहर विदेश में इंग्लैंड में काफी सारी प्रॉपर्टी बनाई है और वो प्रॉपर्टी जो बनी है वो करप्शन के वजह से बनी है, उन्होंने माफी मांगी कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई भी बिल्कुल ऐसा चार्ज हमारे पास नहीं है। तो ये भी एक जियोपॉलिटिकल चीज दिखती है कि संभवतः विश्व की दूसरी शक्तियां इमरान खान को जाते हुए देख रही होंगी। तीसरी एक और अहम चीज है, चाइनीज एनवॉय जो पाकिस्तान में है वो अभी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन है जो नवाज शरीफ की, उसके नेताओं से मिले थे, तो ये क्या दर्शाता है? देखिए चाइना चाहे कुछ भी सॉलिड ब्रदर्स कहे अपने आप को, आपस में पाकिस्तान के साथ उसको बहुत अच्छा दोस्त बताते हो, लेकिन जो इनका जो सीपेक के प्रोजेक्ट सब रुके हुए पड़े हैं, जो इनकी चाइना के साथ जिस प्रकार से बिजनेस होना चाहिए था वो रुका पड़ा है, तो चाइना कहीं ना कहीं संभवतः उसमें इमरान खान को रिस्पॉन्सिबल मानता है। तो जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं, चाहे वो ब्रिटेन में बैठे हुए हों चाहे वो चाइना में बैठे हों, वो खुद इनकी जुबान से इमरान खान साहब की जो बातें निकल जी रही हैं कि हिंदुस्तान की भी आज तारीफ कर रहे हैं, वो अपनी वो हिंदुस्तान की आर्मी की तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान की आर्मी उनकी बैकिंग नहीं कर रही। और फिर आप ये समझिए ना कि जब वो अपने लोकप्रियता के शिखर पर थे तब भी उनकी गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी थी, दूसरों के समर्थन से, कुछ निर्दलियों के समर्थन से, कुछ छोटी पार्टियों के समर्थन से, और बता बोला जाता है कि उसके पीछे मिलिट्री की बैकिंग थी इसलिए उनको समर्थन मिला था और उसकी वजह से उनकी सरकार बन भी और चली भी सही। तो जो जी व्यक्ति अपनी लोकप्रियता के शिखर पर भी फुल मेजोरिटी मार्क नहीं ला पाया, अब जब वो अलोकप्रिय हो चुका है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई चल रहा है, कटोरा लेके दुनिया भर में घूमना पड़ रहा है, तो अगला चुनाव तो हार ही जाएगा। ठीक है, तो दो कारण मुख्य कारण अभी इसके बाद भी आ रहे हैं। पहला जो जमीर जी ने बताया कि इनसिक्योरिटी, ठीक है गुलरेज जी, जैसा कि वो बोल रहे हैं कि पिछले जनता वहां की, पाकिस्तान की जो जनता है वो इस वजह से भी खफा है इमरान खान से, क्योंकि वो अपने पूरे कार्यकाल में, 3 साल के कार्यकाल में सिर्फ गालियां देते रहे हैं और जो वहां की सरकार है उसकी बुराई करते रहे हैं जो उनके विपक्ष में रहे हैं। लेकिन अभी हाल में ही इमरान खान भारत की तारीफ कर रहे हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हुए दिखाई दिए हैं। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से इमरान खान और वहां की आर्मी या फिर वहां के आवाम में एक थोड़ी सी अनबन हो गई हो?
नहीं, मुझे मनीषा इसका दूसरा कारण दिखता है। देखिए, अनबन तो काफी लंबे समय से चल रही है, और जैसे अंकुर बता रहे थे वो बात बिल्कुल सही है कि जब आईएसआई की टीम को एक सवाल ये भी उठता है कि अगर उन्होंने भारत की तारीफ की है, आमतौर पर अगर अमूमन आप देखेंगे तो पाकिस्तान के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं वो हमेशा भारत की जो जो भी सरकार है उसकी खिलाफत करते हुए ही दिखाई दिए हैं। लेकिन इमरान खान की तरफ से अच्छे बोल निकलना, वो भी अच्छे बोल निकलना फॉरेन पॉलिसी के लिए, ये एक अलग कहीं वहां की आर्मी के ऊपर तंज तो नहीं था? नहीं, दो चीजें हैं इसमें। पहली बात तो जैसा कि आपको ने कहा था वो बात सही है कि जब इनके आईएसआई की चीफ को चेंज किया था तब से ही ये मालूम पड़ गया था कि इमरान खान और आर्मी वहां पर एक पेज पे नहीं है, एक पेज पर नहीं है, दोनों के बीच में दरारें हैं, और वो साफ साफ भी दिख रही थी। लेकिन अभी जो इन्होंने ये जो बात कही है ना कि भारत की तारीफ करके, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं चाइना से फेवर लेने की कोशिश है। वो क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि चाइना जो है वो अमेरिका का बेसिकली दुश्मन है। अब यदि पाकिस्तान अमेरिका से दूर जाता है और रशिया का फेवर करता है या चाइनीज कैंप में जाने की कोशिश करता है, और चूंकि देखिए भारत तो अपनी एक निष्पक्ष पॉलिसी दिखा देता है, भारत ने तो आज तक कोल्ड वॉर के समय भी किसी का पक्ष नहीं लिया था, अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी दिखाई थी, तो वो एक एक नॉर्मल सी चीज है भारत की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान उस समय अमेरिकन कैंप में था, हमेशा पाकिस्तान अलाय बन के रहा है, तो अब ये चीन को संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं शायद कि मेरा सपोर्ट करो तो मैं अमेरिका से पाकिस्तान को बिल्कुल एक हाथ की दूरी पर रखूंगा। तो ये एक्सटर्नल सपोर्ट का प्रयास है, और कहीं ना कहीं मिलिट्री को भी संकेत दिया उन्होंने ये कहकर कि जो हिंदुस्तान की आर्मी है वो कभी भी पॉलिटिकल इश्यूज के बीच में नहीं आती है। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि चीन को कह रहे हैं कि आप मिलिट्री पर प्रेशर डालो तो मैं पाकिस्तान को अमेरिका से बिल्कुल दूर रखूंगा, वेस्टर्न खेमे से दूर रखूंगा और तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा, और दूसरी तरफ वो मिलिट्री को भी कह रहे हैं कि आप इंटरफियर मत करो, हमको जो करना है वो करने दो। फिर आप ये देखिए हताशा निराशा किस प्रकार से है। अभी इमरान खान टाइम बाय कर रहे हैं क्योंकि चीजों को वो कोर्ट में लेके जा रहे हैं, और कोर्ट में भी किस प्रकार से लेके जा रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पेचीदगी होती है संविधान की उसको लेकर कि कौन किसको आप किस जो पार्लियामेंटेरियन है उसको लाइफ लॉन्ग के लिए आप रिजेक्ट कर सकते हो कि वो कभी वोटिंग कर ही नहीं पाए, कभी वो इलेक्टोरल प्रोसीजर में आ ही नहीं सके, या फिर पार्टी लाइन को क्रॉस नहीं कर सके। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे पार्ट होते हैं जिसमें बड़ी बेंचेस लगती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस लगती हैं, उसमें समय लगता है, जो टाइम बाय कर रहे हैं ताकि टाइम बाय करके वो कुछ ना कुछ प्रेशर बना सके कि उनके पक्ष में या तो वोटिंग हो, और जो 15, 16 या 20 के आसपास जो उनके सांसद उनको छोड़ चुके हैं या तो वो वापस आ जाए या वो उनके पक्ष में वोटिंग कर दें। अब सांसद उनको छोड़ क्यों रहे हैं, तो सब मुझे साफ दिख रहा है कि वो इतने ज्यादा अनपॉपुलर हो चुके हैं कि वो सांसद जो है वो सिंकिंग शिप से बाहर कूद रहे हैं। लेकिन जियोपॉलिटिकल ये दिख रहा है कि वो चाइना को मैसेज कर रहे हैं शायद कि आप मेरे रेस्क्यू के लिए आए और मैं फिर चाइना की तरफ पूरी तरह अलाइन होऊंगा। अंकुर जी, फाइनेंशियल क्राइसिस जो चल रही है, यदि मिलिट्री का कूप होता है और उन्होंने सत्ता को वापस से टेक ओवर किया परवेज मुशर्रफ की तरह या उनके पहले के जो तानाशाह थे मिलिट्री शासक थे उनकी तरह, तो जो नाम भूल रहा हूं मैं भी कि अमेरिकन गवर्नमेंट का जो एक्ट है वो अपने आप ही स्विच ऑन हो जाएगा, और उसकी वजह से सीवियरेस्ट जो सेंक्शन पनिशमेंट होगी पाकिस्तान पर कि उसकी इकोनॉमी को बिल्कुल क्रम्बल कर देगी। अब मिलिट्री की यहाँ समस्या ये है कि यदि वो लेकर आए थे इमरान खान को ये सोच कर कि वो कुछ डिलीवर करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल तरह से नालायक निकले उनके पैमाने पर, तो अब या तो वो उसका सपोर्ट करते हैं तो फिर मिलिट्री भी जो है वो अलोकप्रिय हो जाएगी, और यदि समर्थन भी करते हैं तो आपने देखा पिछली बार जो समर्थन किया था उसके बाद जो विपक्ष था उसने इतनी हिम्मत कर ली थी कि नवाज शरीफ इंग्लैंड से बैठकर नाम ले लेकर आर्मी के जनरलों को नाम लेते थे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो पाकिस्तान की जो राजनीति में मिलिट्री को इतना सर्वश्रेष्ठ स्थान होता था उसके खिलाफ अब ऑपोजिशन की पार्टीज बोलना शुरू कर दी है, और यदि अभी एक नाकारा प्रधानमंत्री का समर्थन करती है मिलिट्री तो फिर वापस वो होगा कि नवाज शरीफ या मरियम शरीफ जो है वो मिलिट्री को टारगेट करना शुरू करेंगी और मिलिट्री उस स्थिति से बचना चाहेगी। तो मुझे लगता है कि मिलिट्री ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ।